अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड एज यू ऑल नो, टुडे इज़ ब्लेस्ड फ्राइडे। एंड फ्राइडे की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, बिरयानी। आई थिंक हमारे कराची आइट जितने भी हैं, हम लोग जो है ना बिरयानी को नहीं भूलते हैं। वर्सेटाइल हमारी ये डिश है, आई थिंक नेशनल डिश इसको मैं बोल दूंगा, क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि हर दिन खाई जाती है, लेकिन आई थिंक ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन जो है ना, नमाज़ पढ़ के जब आते हैं तो बिरयानी रेडी होती है और बड़ा बेहतरीन सा दिन भी गुजर जाता है। अच्छा जी, आज की रेसिपी बड़े मज़ेदार सी है। हम बनाएंगे बिरयानी, लेकिन बनेगी कमर्शियल स्टाइल में वाइट बिरयानी, जिसमें मसाले कम होते हैं, लेकिन ये कि बड़े मज़ेदार बनती है और वही टेस्ट आता है एवेंचुअली इसका। और साथ में हम बनाएंगे मज़ेदार सी यहाँ पर जो आइसक्रीम बनेगी, एक कैरमल क्रंच आइसक्रीम, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, मुझे कॉल करना है। कॉल करके मुझे बताना है कि अगर आप लोग घर में आइसक्रीम बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, और क्या वो टाइम पे जमती है या नहीं जमती, ठीक है। और क्या क्या स्टेबलाइजर्स यूज़ करें, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे स्टेबलाइजर्स जो है ना आना शुरू हो गए हैं। और साथ ही मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, सारे मेज़न प्लस हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या करना है, एक पेस्ट की फॉर्म बनाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपके रेसिपी कार्ड में भी लिखा होगा कि या तो आइसक्रीम पाउडर्स अवेलेबल है मार्केट में, बेकिंग स्टोर पर ख़रीद सकते हैं जो स्टेबलाइजर्स होते हैं। साथ ही में यहाँ पर चीनी है, चीनी के साथ साथ कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क के साथ साथ यहाँ पर ये मेरे पास आइसक्रीम पाउडर है, या तो कॉर्नफ्लावर, या तो आप इसके अंदर जो आपका कस्टर्ड पाउडर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो वनीला वाला होता है, सही है। एंड साथ में दूध है और एक कैरमल बनेगा, उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी भी ऐड करें, क्योंकि कैरमल क्रंच के अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी का टेस्ट भी होता है, थोड़ा सा बिटरनेस होती है, एंड बिटरनेस भी होगा जो कॉफ़ी से आएगा, और साथ में थोड़ा सा जो एक मिठास होगी ना, वो ऑब्वियसली कंडेंस मिल्क से आएगी और चीनी से आएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कैरमल जो है इसको बनाने रख देते हैं, और वही तरीका है, कैरमल एक जो आइसक्रीम है उसके ना क्रंच होता है, तो क्रंच किस तरीके से बनता है, सिंपल आपने क्या करना है, एक कप चीनी और इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना पिघला देना है, ठीक है। ये इसका कैरमल बन जाएगा, इसको जमा लेंगे, फिर हल्के से आपने इसको तोड़ना है और फिर सारी की सारी आइसक्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देना है, ठीक है जी। अब साथ ही में हमने क्या करना है, यहाँ पर एक सॉस पैन में ले लेता हूँ। सॉस पैन में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, बड़ा जल्दी प्रोसेस होता है, इसको आपने ठंडा भी करना होता है, ठीक है। तो ये गया दूध, ये आपने दूध ऐड कर दिया। अब इसी के अंदर इंसान मैं चूल्हा भी बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आइसक्रीम स्टेबलाइज़र है ये हम यूज़ कर रहे हैं, ये या तो कॉर्नफ्लावर यूज़ कर लें, या तो आपने क्या करना है, कस्टर्ड पाउडर यूज़ करना है, ठीक है। अब इसका होगा ये कि जैसे मैं चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि ये गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं फ़ौरन से, तो अच्छा इसको पहले से ही आप अच्छे तरीके से हल कर लें, ताकि सारे के सारे जो ग्रैन्यूल्स हैं ना अच्छे डिज़ोल्व हो जाएँ इसके, ये जो दूध के अंदर। और उसी के साथ अब ऑब्वियसली ये है कि हम चूल्हा ऑन कर देंगे, ठीक है जी। चूल्हा ऑन करने के बाद ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं मैं इसके अंदर ऐड करता रहूँगा, कंडेंस मिल्क, ये और ज़्यादा स्टेबिलिटी पैदा करेगा, बहुत बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा इसका, बट ये है कि आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। ये बेस है आपके आइसक्रीम की, और ये सारी की सारी जैसी एक पेस्ट की फॉर्म बन जाएगी, ठंडी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको विप क्रीम के साथ अच्छे तरीके से बीट करेंगे और थोड़ी सी सॉफ्ट पीक्स बनेंगी। ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना हम कॉफ़ी पाउडर भी ऐड करेंगे, और बस इसको हम जमने रख देंगे। आप जेलेटिन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है। जेलेटिन वैसे यूजली कुछ लोग जो होते हैं ना यूज़ नहीं करते, ठीक है जी। साथ में थोड़ी सी चीनी जाएगी, ये चीनी भी ऐड कर दिया। अब ये अच्छे तरीके से हम कर देंगे इसको मिक्स, देख सकते हैं कलर भी अच्छा तरीके से, ये जो स्टेबलाइज़र है आइसक्रीम पाउडर जो है ना हर जगह पे आजकल अवेलेबल होना शुरू हो गया, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये आप ख़रीद के लेकर आएँ, और इससे फ्लेवर भी बड़ा बेहतरीन सा हो जाएगा, और ख़ुद ब खुद जो है ना ये जमना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं है तो कॉर्नफ्लावर ऐड कर लें, नहीं तो आपका मैंने आपको बताया कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते रहना है, साथ में जो चीनी है वो भी हो रही है, इसकी आँच में बिल्कुल कम कर देता हूँ, कि आई डोंट वांट कि जो चीनी है वो साइड में जले, अच्छा सा कैरमल का कलर आना चाहिए इसके अंदर। ये देखें, ये सारे के सारे बेहतरीन सा इसके अंदर मिक्स हो गया। अब इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, कॉफ़ी ऐड करूँगा, ये कॉफ़ी भी ऐड कर दी हमने, ताकि फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा इसके अंदर हो जाए, एंड कॉन्स्टेंटली स्टर करता रहूँगा, क्योंकि ये बेस है हमारी इसकी, ये जो हमारी आइसक्रीम है उसकी, ये बेहतरीन से देख सकते हैं कैरमल क्रंच की जो बेस है वो रेडी हो गई, एंड ऑब्वियसली ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो रही है। अब आप देख लें, ये आपके सामने बिल्कुल, ये एक हमने क्या करनी है इसकी, वो बनानी है बिल्कुल, ये एक पेस्ट की फॉर्म हो जाएगी, ये देखें।
और साथ ही में हमारी कैरमल जो है थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड कर देता हूँ। कलर हल्का सा अगर डार्क हो भी जाए तो कोई मसला वाली बात नहीं, बहुत हल्का सा ये लें ताकि खुद ही जो है ना इसकी कैरमल अच्छे तरीके से मिक्स होना शुरू हो जाए। अब ये देखें, ये बड़ा बेहतरीन सा आपका जो मिक्सचर है ना, ये कैरमल क्रंच आइसक्रीम का रेडी हो गया बेस। ठीक है, ये अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से कॉन्सटेंटली मैं स्टर करता रहूँगा ताकि ये ठंडी हो जाए। जैसे ये बेस, ये जो आपकी एक पुडिंग फॉर्म है, ये ठंडी होगी, इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे हमारी विप क्रीम के साथ। और ये खुद ब खुद आप देखिएगा 4 से 5 घंटे में ईजिली जो है ना सेट हो जाएगी। बट इनफैक्ट मैं कोशिश ये करूँगा इसको निकाल के ये आपके सामने जो है ना इसको सेट करने हम रखते, ठीक है, ताकि विद टाइम ईजिली जो है ना ये देखें बस ये आपने अच्छे तरीके से सारी की सारी मैं इस पर ये फुल इसको ठंडा करने रख देंगे। कोई भी चीज़ जो है ना ज़ाया नहीं करनी, ना ऑब्वियसली स्पैचुला की मदद से मैं सारा का सारा जितना भी है वो स्क्रेप ऑफ करके इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ये दे यू गो, ठीक है जी, ये आपने डाल दिया इसके अंदर। और ऑब्वियसली आप इसको अच्छे तरीके से फ्रीज करेंगे, जैसे ही फ्रीज होगा तो ही आपने इसको जो है ना मिक्स करना है आपका विप क्रीम के अंदर। ये देखें, ये आपकी जो आपका समझे स्टेबलाइजर है ना वो यहाँ पर रेडी हो गया, खुशबू बड़ी बेहतरीन सी आगे। इसको रख देंगे फ्रीजर के अंदर सेट होने के लिए। और साथ में ब्रेक का भी टाइम हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो हमारा कैरमल है थोड़ा सा इसको और मजीद ब्राउन होने रखूंगा, आप लोग जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस आए। कमर्शियल वाइट बिरयानी अज्जा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लौंग 2 से 3 अदद, काली इलायची 2 अदद, ग्रीन चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चाय का चमचा, नमक हसबे जायका, दारचीनी 2 टुकड़े, दही 1 कप, चिकन बोटी 250 ग्राम, तेल हसबे ज़रूरत, पानी हसबे ज़रूरत, तली प्याज 1 कप, बिरयानी मसाला 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 1 कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, भीगिया और उबले चावल 1.5 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारा बेहतरीन सा जो स्टेबलाइजर था उसके अंदर कॉफ़ी भी ऐड की है एंड कस्टर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, तो मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। बस हमने क्या करना है, जैसे ही प्रॉपर ठंडा हो जाएगा, लाइक प्रॉपर फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसको विप कर देना है हमारी जो विपिंग क्रीम के साथ। अच्छे तरीके से सॉफ्ट पीक्स आएंगी, फिर हम जो क्रंच है कैरमल का वो ऊपर ऐड करके सर्व कर देंगे एंड बहुत बेहतरीन सी जो आपकी आइसक्रीम है ना वो भी रेडी हो जाएगी। आ जाते हैं कमर्शियल बिरयानी पे, वाइट बिरयानी। इसमें वैसे आज सच मसाले इतने नहीं जाते, लेकिन ऑब्वियसली हम बड़े चटोरे लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं स्पाइसेस जो है ना थोड़े बढ़ा देते हैं उसके अंदर। तो बस इसमें एक चीज़ जाती है जो बिरयानी मसाला होता है यूजली जो आपका नॉर्मल वाला होता है वो आपने ऐड करना है 1 से 2 खाने के चम्मच, और बाकी सारे नमक जाएगा, गरम मसाला जाएगा, ग्रीन चिली पेस्ट है, साबुत गरम मसाला है वो जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आलू बुखारे ऑप्शनल हैं डालना चाहें, मुझे वैसे यूजुअली पसंद है आलू बुखारे तो मैं ऐड कर रहा हूँ, दही के अंदर प्रॉपर तरीके से पकेगी, ठीक है। और एंड में जो गार्निशिंग है ब्राउन अनियन है यहाँ पर, प्याज और टमाटर, दैट्स इट, ठीक है। चावल पहले से मैंने उबाल के रख लिए हैं यहाँ पर, 1/4 कप के हिसाब से जो है ऑयल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑयल अच्छे तरीके से जैसे ही गर्म होगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सारे के सारे जो साबुत गर्म मसाले वो ऐड करेंगे, ठीक है जी, ये गए। और सारा के सारे समझे 1 से 2 खाने के चम्मच है, जिसमें बड़ी इलायची है 2 अदद, लौंग है, सिनेमन स्टिक्स हैं और थोड़े से ब्लैक पेपर कॉर्न्स हैं, ठीक है, ये भी आपने सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर देना है। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है जी। और साथ ही में हमने क्या करना है, जैसे ही अच्छे तरीके से जो है ना इसका अरोमा निकलना शुरू होगा, जो कि होना शुरू हो गया एवेंचुअली, बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगा और बड़ी जल्दी बन जाती है। बस इसमें ये क्या आपने दम इसको लगाना होता है, और इसी के साथ में यहाँ पर जो चिकन है उसको हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, या हमें प्रॉपर जो है ना इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। इसके अंदर अब क्या क्या मसाले जाएंगे, सबसे पहले नमक जाएगा, हसबे ज़ायका, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट, अब ये ग्रीन चिली पेस्ट है मिर्चों की पेस्ट के साथ, इसके अंदर धनिया पुदीना भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें। मैं इसको बना के ना पहले इसे फ्रीज कर लेता हूँ। तो आजकल मार्केट में भी बड़ी अच्छी अच्छी ब्रांड की ना ग्रीन चटनी के नाम से आते हैं, तो वो भी आप इजीली ना यूज़ कर सकते हैं, बड़ी स्वीट और टैंगी होती है, मज़ेदार होती है, तो वो आपके फ्लेवर ना और ज़्यादा बेहतरीन कर देता है आपके खानों को। बस ये आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, क्योंकि यूजली हम क्या कर रहे होते हैं, धनिया पुदीना घर लेकर आते हैं वो अगले दिन ना काला होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं। हमेशा आप ये करें, उसको अच्छे तरीके से पहले धोएं और उसको ड्राई करें, और जैसे ही वो ड्राई हो जाए
उसके बाद आपने क्या करना है, टिश्यू के अंदर लपेट के रख दें। तो टिश्यू पेपर जो आपका होता है ना, ये जो आपका पेपर टॉवल है किचन वाला, वो आपने इस तरीके से करना है। मेरी अम्मी भी इसी तरीके से जो है ना प्रॉपर इसको साफ़ सुथरा करके रखती है, लेकिन ये कि इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, इसको बस आपने क्या करना है, जल्दी यूज़ ही कर लेना है, तो पेस्ट बना के रखें। ठीक है जी, यहाँ पर चिकन भी बड़ा बेहतरीन सा हो रहा है। इसी के अंदर अब हम क्या करेंगे, अच्छी सी पहले भुनाई करूँगा। नमक डाला है मैंने, साबुत गर्म मसाले इसके अंदर गए हैं, और साथ में गर्म मसाला जो हाफ टी स्पून ऐड किया है ऑयल के साथ। इसको अच्छे तरीके से क्या कर रहा हूँ, मैं भून रहा हूँ ताकि चिकन जैसे अच्छे तरीके से पक जाए, फिर मैं दही ऐड करूँगा और वही सारे लवाजमात जो है ना वो आपने ऐड करना है। यहाँ पर बटन चिलीज़ हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं वाइट बिरयानी के अंदर जब भी आप खाते हैं, और अगर बाहर से भी बनवाते हैं जो कमर्शियली बनाते हैं, उनके मसाले बड़े कम होते हैं लेकिन बड़ा बेहतरीन सा टेस्ट आता है। तो बस यही वजह है उसकी कि बड़े कम स्पाइसेस में, लेकिन वो जो एक तीखापन है ना वो बड़ा इसके अंदर होता है। बस यहाँ पर चिकन भी बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर भुनाई हो रही है। अब इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर यहाँ पर आलू बुखारे ऐड कर दूँगा, बटन चिलीज़ जो हैं वो ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, और इसको अच्छे तरीके से भुनाई देंगे। ये अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना पक जाए, और साथ ही में जैसे यहाँ पर हल्की हल्की भुनाई होना शुरू हो गई है, यहाँ पर मेरे पास दही है। ठीक है, ये समझें कि हाफ कप या एक कप के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास गोश्त कितना है। अब बस इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, पहले भुनाई करनी है और इसी में पकाना है ताकि सारा का सारा जो पानी है वो ऊपर आ जाए और थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाए। ये इस तरीके से कॉन्स्टेंटली स्टर करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, दम पे रख देंगे ताकि ये जो चिकन है अच्छे तरीके से पक जाए, दही का पानी भी निकलना शुरू हो जाए। आज समझें कि बड़ी इजी है, बस एंड में हमने क्या करना है, जैसे ये भुनाई हो जाएगी थोड़ा सा यहाँ पर बिरयानी मसाला है जो बाहर से इजीली मिलता है, अगर घर पे भी है तो वेल एंड गुड है, धनिया है, और गार्निशिंग हमने करनी है इसी के अंदर। पहले लेयरिंग करने से पहले यहाँ पर प्याज जाएगा और टमाटर जाएंगे, बस इसकी पेस्ट नहीं बनेगी, सिंपल लेयरिंग के अंदर डालेंगे, दैट्स इट। साथ में मैं इसको भी ट्राई कर देख लेता हूँ कि कितना ये सेट होना शुरू हो गया। ये देखें बेहतरीन सी ये जो कंसिस्टेंसी है ना, बड़ा बेहतरीन हो गया ये। और इसी के अंदर अब क्या करेंगे, आई थिंक और इसको थोड़ा जो है ना हम जमा लेते हैं, और जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे हम इसको क्या करेंगे, क्रीम के साथ मिक्स कर देंगे। कैरमल भी हमारा अच्छे तरीके से सेट हो रहा है, जैसे ही सेट हो जाएगा उसको हम चमचे से तोड़ेंगे, सारी रेसिपीज जो है ना ईजिली आपके सामने। ये चिकन को भी देख लें, अब ये लें बड़ा बेहतरीन सा जो चिकन है ना ये भी यहाँ पर भून रहा है। दही हमेशा मैं क्या करता हूँ, वैसे आजकल बाज़ार वाले भी जो दही है ना पैकेट, वो बड़ा अच्छा होता है। वैसे यूजली ये है कि अगर नागौरी की दुकान से आप जाके ले लें तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो पैकेट वाला होता है ना उसकी कंसिस्टेंसी एक ही होती है, और उसके अंदर ऐसे जो वाटर का जो रेशो होता है ना वो कम ही होता है, और प्रॉपर तरीके से हंकर्ड होता है ना, जैसे वैसा आपके डब्बे के अंदर निकलता है। और हम लोग यहाँ पर जो बिरयानी है देख सकते हैं, कलर भी बड़ा इसका वाइट ही होना चाहिए, इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी। और बस इसी तरीके से सारी रेसिपीज़ को आपने फॉलो करना है, और अगर कोई भी फरमाइश है तो मुझे कॉल करके आप तो लाजमी दे सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आके इंशाल्लाह और मैं इंक्लूड करूँ। मेरी कोशिश है कि आगे टर्किश खाने भी हों, और देसी तो ऑब्वियसली होता ही है, क्योंकि हर घर में अगर देसी ना हो तो आई थिंक बंदा थक ही जाता है वैसे, क्योंकि हम कहीं भी चले जाएँ और कॉन्टिनेंटल खा लें, चाइनीज़ खा लें, जितना भी खा लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको दाल चावल या अगर बिरयानी ना मिले ना तो आई थिंक आप बोर हो जाते हैं। कि मेरा तो ये है कि बिरयानी मस्ट है, मैं अगर मुझे रोज़ बिरयानी मिले ना मैं रोज़ बिरयानी खाऊं, ठीक है। और मुझे ये भी बताएं बिरयानी में आलू होना चाहिए नहीं होना चाहिए प्लीज़, ठीक है। तो ये मुझे कॉल करके आप बताएं। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको ढक दूंगा ताकि अच्छे तरीके से चिकन प्रॉपर कुक हो जाए। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे हम जो हमारा स्टेबलाइज़र हमने बनाया उसको निकाल के क्रीम के साथ डिप करेंगे। कमर्शियल वाइट बिरयानी अज्जा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लौंग 2 से 3 अदद, काली इलायची 2 अदद, ग्रीन चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, दारचीनी 2 टुकड़े, दही 1 कप, चिकन बोटी 250 ग्राम, तेल हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, तली प्याज 1 कप, बिरयानी मसाला 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 1 कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, भीगे और उबले चावल 1.5 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारी जो बिरयानी बेहतरीन सी, इसको देखिए ग्रेवी जो है ना बड़ी बेहतरीन सी हो गई, चिकन भी भुन गई है, एंड कॉन्स्टेंटली आपने अच्छे तरीके से दही के अंदर इसको जो है ना भूनना है। और साथ ही में यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा जो हमारा बिरयानी मसाला है वो ऐड करेंगे,
एक से दो खाने के चम्मच। थोड़ा सा ऑब्वियसली कलर जो है ना वो चेंज होगा, लेकिन मसाला जो है ना इसका प्रॉपर तरीके से इसी में बन जाएगा। बस ये आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारा का सारा मसाला जो है ना इसके अंदर रच जाए। और साथ ही में जो हमारे चावल हैं वो भी मैंने यहाँ बॉईल करके रख लिए हैं। सेला चावल यूज़ कर रहे हैं, सेला हमेशा यूज़ किया करें जब बिरयानी बनाएं। बड़े कम लोग हैं जो बासमती में जो प्रॉपर तरीके से एस कर सकते हैं बिरयानी, क्योंकि चावल बैठ जाता है बासमती का जो होता है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है इसको अच्छे तरीके से और मज़ीद मैं भुनाई करूँगा। वैसे बिरयानी समझे कि इट्स ऑलमोस्ट डन, बस थोड़ी सी और मज़ीद भुनाई हो ताकि चिकन समझे कि जितनी कसर रह गई है थोड़ी सी वो और मज़ीद पूरी हो जाए इसके अंदर। थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगा इसमें, अच्छे तरीके से और मज़ीद मिक्स करेंगे। थोड़ी सी ग्रेवी आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि हम लोग ये गलती करते हैं कि ग्रेवी नहीं होती इसके अंदर, बिल्कुल ड्राई बनती है। थोड़ा सा रेशो आपने जो है ना इसका वाटर का रखना है ग्रेवी का, उससे होगा ये कि जब आप चावल ऐड करेंगे ना तो बिल्कुल बिरयानी बैठती नहीं है, थोड़ा सा दम आएगा, थोड़ी भाप होगी, जैसे ही इवेपोरेट होगा इसका भी पानी इवेपोरेट होता है तो बिल्कुल आपका जो कोरमा है वो ड्राई होता है। फिर हम लोग ये बोल रहे होते हैं कि नीचे जो हमारी बिरयानी वो लग गई। ठीक है, बस यहाँ पर अच्छे तरीके से ये समझो और भुनाई हो रही है इसकी। अब आ जाते हैं हमारा जो ये पूरा स्टेबलाइज़र जो हमने पेस्ट बनाई थी कॉफ़ी एंड कैरमल की, वो और विप क्रीम। ये जो है ना आपने इसको अच्छे तरीके से पहले सब का सब मैं मिक्स कर दूंगा इसके अंदर। प्रॉपर इसके अंदर आपने जो है ना इसको मिक्स कर लेना है। ऑब्वियसली थोड़ा फोल्ड इन करें। ये देखें प्रॉपर जो स्वर्ल्स है ना वो आने चाहिए इसके। और मज़ीद ऑब्वियसली कोई चीज़ वेस्ट ना करें, प्रॉपर सारे के सारे स्क्रेप ऑफ करके। अब इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है, या तो इसको प्रॉपर सेट कर दें और ऊपर से क्रंच ऐड कर दें, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अभी इसी के अंदर फोल्ड करूँगा और सारी की सारी ये जो हमारे पास एक जार है इसके अंदर सारा फिल कर दूँगा। इस तरीके से प्रॉपर जो है ना आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। फिर इनफैक्ट एक काम करते हैं सारा का सारा ऐड कर देते हैं, फिर ऊपर से हम जो है ना क्रंच ऐड कर देंगे और फिर थोड़ा सा स्वर्ल दे देंगे और इतने मज़ेदार सी जो आपकी आइसक्रीम है ना कैरमल क्रंच वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी बिटर टेस्ट की होगी ये, हमेशा ये ध्यान रखें कि ये बिल्कुल हम लोगों के दिमाग में होता है आइसक्रीम बिल्कुल मीठी होनी चाहिए, नहीं। आजकल इतने सारे फ्लेवर्स आए हुए हैं, कुकीज़ एंड क्रीम भी है जैसे कैरमल क्रंच मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने इसको फ्रीज़ किस तरीके से करना है, आपने इसको इस तरीके से बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं करना। अब आपने देख लें यहाँ पर रख दिया है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्लिंग है, क्लिंग मैं मंगा लेता हूँ और क्लिंग से प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना हम कवर करेंगे ताकि इसकी जो बेस है वो टच हो, ताकि वो क्रिस्टलाइजेशन आपकी जो आइसक्रीम पर है वो ना आए। ये चिकन भी बड़ा बेहतरीन सा भुन गया है, ये सारी की सारी आइसक्रीम इनफैक्ट मैं फ्रीज़र के अंदर रख देता हूँ। फिर तो जैसे हम ब्रेक में जाएंगे इसको प्रॉपर क्लिंग कर देंगे फ़ौरन से। ये देखें चिकन भी बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर हो गया। बस मैं क्या करूँगा इसके अंदर थोड़ा सा पानी हल्का सा, और इसी के साथ यहाँ पर जो हमारे ब्राउन प्याज थे वो ऐड करूँगा। सारे के सारे ब्राउन प्याज आपने ऐड करने हैं एंड जो टमाटर है ये सारे के सारे आपने इस तरीके से ऊपर ऐड कर देने और फुल मैंने इसको तेज़ ही रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर ये जो है ना, अब सारे के सारे जो चावल हैं हम ऊपर ऐड कर देंगे। तरीके से सारे चावल ऐड कर दें, धनिया में ऊपर से ऐड कभी भी नहीं करता, वो बिल्कुल काला पड़ जाता है। और एक आपने समझें लिड की मदद से थोड़ा सा इसको ये करके
ताकि इसमें जो है ना सारी की सारी जो भाप है वो प्रॉपर तरीके से आ जाए। ये गई दम पे बिरयानी और बिल्कुल मैं आँच कम कर दूंगा, समझे, 10 से 15 मिनट इसको प्रॉपर हम रखेंगे, फिर उसके बाद लिड मैं निकाल दूंगा ताकि सारी की सारी भाप जो है वो हट जाए और चावल बड़ा बेहतरीन सा खिला खिला बनेगा। और साथ में आ जाते हैं, मैं आइसक्रीम का आपको बता रहा था कि हमने क्या करना है, जो क्रंच है ये लें, इस तरीके से प्रॉपर इसकी सेट होनी चाहिए आइसक्रीम, ठीक है। और क्रंच आई थिंक हमारा, मैं ले लेता हूँ इधर, ये देखें थोड़े से इसके जो क्रिस्टल्स हैं मैंने वैसे रहने दिए थे क्योंकि थोड़ा सा चंकी अच्छा लगेगा। बस जैसे ही ये सेट होना शुरू होगा हम क्या करेंगे, सारा का सारा इसको तोड़ के हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है। बड़ा आसान सारी चीज़ें, और इसके अंदर आप बिस्किट्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, और समझे इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम चीज़ है अगर वो, ऑब्वियसली जितनी वेरिएशन देना चाहें वो दे सकते हैं, ब्लूबेरीज हो गई, आजकल स्ट्रॉबेरीज भी मिलती हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली टॉपिंग जितनी बेतहाशा मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। और साथ में आपका जो स्प्रेड भी होते हैं, ठीक है, तो आजकल स्प्रेड भी तरह तरह के मिल रहे हैं आपके, ऑब्वियसली नाम तो नहीं ले सकता, और उसके अंदर भी आप इसको शामिल कर सकते हैं, अपनी वेरिएशन बना सकते हैं आइसक्रीम की। और जैसे मैंने आपको कहा कुकीज़ होती हैं और बिस्किट्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी थोड़े से क्रंच करके ना आप डाल सकते हैं ताकि एक बड़ा फ्लेवर बड़ा अच्छा है। लेकिन बिल्कुल ये जो नॉर्मल आपको रेसिपी दी जो आपकी क्रंच होती है, क्रंच यहाँ पर सेट हो जाएगा, वो हम ऐड करेंगे इस पर तोड़ के, और बस इसको हम अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। क्लिंग मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है, लेकिन ये कि अभी क्लिंग मंगा के मैं आपको बता दूँ किस तरीके से सेट होगा। प्रॉपर बेस टू बेस इसका टच होना चाहिए ताकि क्रिस्टलाइजेशन जो एयर है वो अंदर ना जाए, बस ये ऊपर से सेट हो जाएगा अच्छे तरीके से, फिर आप इजीली स्कूप की मदद से निकालें, घर में बैठे बैठे बड़ी बेहतरीन सी आइसक्रीम है ना रेडी हो जाएगी। इसके अंदर स्टेबलाइजर, ऑब्वियसली आइसक्रीम पाउडर मिलते हैं, जेलेटिन मिलता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेलेटिन से ना वो बिल्कुल जेली टाइप कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो अच्छा ये कि आप आइसक्रीम स्टेबलाइजर्स मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं, आप अगर देखेंगे ना तो आपको आराम से मिल जाएंगे। बस इसकी आँच मैं थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ ताकि भाप आ जाए प्रॉपर तरीके से। और सबसे अच्छी एक और चीज़ ये है कि ये मैंने रिदाबाजी से सीखी थी कि आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी टिशू पे लेकर इस तरीके से जो इसका दम का तरीका ना ये इसका आप कवर करना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी बड़ी बेहतरीन सी बिरयानी है रेडी हो जाएगी। बस आपने क्या करना है, चिकन को अच्छे तरीके से भुनाई होनी चाहिए, मसाले इसके अंदर से बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून ऐड किया है, भुनाई करें, चावल ऐड करें, थोड़ी सी जो गार्निशिंग है वो अंदर ही आपने ऐड करनी, ऊपर ऐड नहीं करनी। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको हमने रैप करना है। ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। कैरमल क्रंच आइसक्रीम, अच्छा, व्हिप क्रीम 1/4 कप, दूध फुल फैट 1 कप, पाउडर शुगर 1/4 कप, आइसक्रीम पाउडर या कस्टर्ड पाउडर वनीला 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, कॉफ़ी पाउडर 2 खाने के चम्मच, चीनी 4 से 5 खाने के चम्मच, कैरमल के लिए चीनी 1 कप, पानी 1 खाने का चम्मच। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वाइट कमर्शियल बिरयानी यहाँ पर दम लग चुका है, इनफैक्ट लग रहा है, और मज़ीद आई थिंक 5 मिनट और इसको देंगे ताकि बेहतरीन सा हो जाए। आँच मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है ताकि बस अपने टाइम पे अच्छे तरीके से ये जो है ना दम आ जाए। इसके ऊपर कभी भी गार्निशिंग धनिया पुदीना मैं ऐड नहीं करता, इसलिए होता ये है कभी कमर्शियल भी अगर आप देख जब घर में आती है तो उसमें होता ये कि आपने देखा होगा कि ऊपर कोई गार्निशिंग नहीं होती, कोई ऐसा लेयरिंग भी नहीं कर रहे होते, हम घर पे ही कर रहे होते कि पहले चावल आए, फिर सालन आए, फिर आपने चावल वापस डाल लें। इसी तरीके से कोरमा नीचे हो, चावल आप ऊपर डालें, लेकिन हमेशा कोरमा जो है उसके अंदर वो ड्राई ना हो, थोड़ा सा उसके अंदर वाटर कंटेंट यू नो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि अगर वो भाप लगे भी तो वो नीचे जो है ना आपका कोरमा नीचे ना जले, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जो हमारी आइसक्रीम थी उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड साथ ही साथ ये जो क्रंच है ये और मज़ीद मैंने जो है ना रेडी कर लिया था, ये थोड़ा सा और देख सकते हैं हल्का हल्का सेट हो रहा है। तो एंड में मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ के ना ऐड कर लेंगे इस पर, और मज़ीद जो सारा दूसरा क्रंच था वो मैंने यहाँ पर ये देखें प्रॉपर तरीके से लगा दी, जो इसके क्रंच थे वो भी इसके अंदर आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, क्लिंग किस तरीके से लगाएंगे इसको प्रॉपर, हम लोग क्या करते हैं ऊपर तक सिंपल आपने जिस तरीके से कवर करते हैं वैसे लगाते हैं, लेकिन आपने इसको बेस टू बेस लगाना है, बेस टू बेस इन वे के प्रॉपर जो है ना आपकी आइसक्रीम इस पर टच हो इस तरीके से, इसमें एयर नहीं आनी चाहिए, ये इस तरीके से आपने इसको प्रॉपर सेट करना है, और ईज़िली जो है ना आपकी ये आइसक्रीम बड़ी बेहतरीन सी फ्रीज हो जाएगी, ये देखें इस
इस तरीके से, और इसी तरीके से हम कोई भी सॉर्बेज होते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें जो आपके प्रोफेशनल किचन होते हैं ना, उसी के अंदर हम लोग इजीली इसी तरीके से सारी चीज़ों को हम फ्रीज़ करते हैं। अदरवाइज क्रिस्टलाइजेशन होगी, आइस आ जाएगी, फिर आपकी आइसक्रीम जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाएगी। प्रॉपर देख लें, प्रॉपर मैंने इसके ऊपर इस तरीके से अब इसको वापस रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। अब आप इसको ओवरनाइट रख दें, बड़ी बेहतरीन सी ईज़िली जम जाएगी है। एंड साथ ही साथ जो हमारा क्रंच है ये देखें, बिल्कुल ये भी बेहतरीन से रेडी हो चुका है। अब इसको क्रंच की सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि अगर प्रॉपर तरीके सेट हो जाए, ये देखें ये है ना प्रॉपर तरीके से आपका जो क्रंच है ये यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, ये अब आप आइसक्रीम के ऊपर डाल दें या तो इसको थोड़ा सा क्रश कर लें जो आपका मिक्सी होता है उसके अंदर कर दें ताकि थोड़ा सा फाइन एक पाउडर बन जाए, फिर जब आप खाएंगे ना तो बड़ा बेहतरीन सा क्रंच आएगा। वो जो कैरमल मैंने पहले डाला था थोड़ा सा लिक्विड ही था क्योंकि इसके अंदर पानी मैंने ऐड किया था। ये प्योर कैरमल है, सिंपल, इसके अंदर चीनी मेल्ट की और कुछ भी नहीं ऐड किया, उसके अंदर पानी इसलिए ऐड किया ताकि थोड़ी सी एक लेस बने, जब आप खाएंगे ना तो एक थोड़ा एक आपके टेस्ट बड़ा बेहतरीन सा आएगा आपके मुँह में, वो कैरमल का आएगा, थोड़ा सा कॉफ़ी का आएगा और ऑब्वियसली थोड़ी सी बिटर टेस्ट होता है इस आइसक्रीम का। कभी भी आप हमेशा ये सोचें हम जो खा रहे होते हैं कैरमल क्रंच हो गया, कॉफ़ी हो गई, तो वो ऑथेंटिक प्रॉपर कॉफ़ी उसके अंदर ऐड की जाती है ताकि थोड़ा बिटर टेस्ट आए। हम लोग के दिमाग में ये होता है कि इवन ब्राउनीज भी होगी कोई भी चीज़ होगी बस मीठी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ों के एक्चुअल जो अपने फ्लेवर्स होते हैं वही आने चाहिए। अब जैसे कैरमल क्रंच हमने कॉफ़ी फ्लेवर इसके अंदर ऐड किया है तो कॉफ़ी का बिटर टेस्ट आएगा, जो आपकी शुगर का कंटेंट है वो कम होगा, कॉफ़ी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर बड़ा बेहतरीन सा दम भी आ चुका है एंड इसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट और देते हैं इसको, देखें ये ना चावल भी बड़ा बेहतरीन सा हो गया एंड अगेन इसको हम वापस बंद कर देते हैं, बस एंड में इसको निकालेंगे। और प्लीज़ इसी तरीके से सारी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहें। लोग हमेशा ही बोल रहे होते हैं, जितने भी लोग मुझे मिलते हैं कि रेसिपीज़ कहाँ से मिलेंगी, तो आप लोग भाई ईज़िली हमारे यूट्यूब का जो पेज है वहाँ जाएँ एंड मसाला रेसिपीज़ का बड़ा बेहतरीन सा यूट्यूब का पेज है, डेली अपलोडिंग होती है रेसिपीज़ की, वहाँ से जाके इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, तो सारे वो बोल रहे होते हैं इसमें रेसिपी कार्ड नहीं है, रेसिपी कार्ड भी आ रहा होता है लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे होता है उसके अंदर सारे कंटेंट होता है, सारी चीज़ें विद मेथड हर चीज़ मौजूद होती है। इवन अब टिकटॉक पर भी हैं, टिकटॉक पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा मसाला जो मैगज़ीन है, ठीक है, वो सबसे हमारे आई वुड से की है हमारी मसाला मैगज़ीन, आप जितने भी बुक स्टोर्स हैं वहाँ जाके ईज़िली ख़रीद सकते हैं और उसके अंदर सारे इंटरव्यूज़ भी हैं, देसी टोटके भी हैं, आजकल गला ख़राब बहुत हो रहा है एंड जो भी रेमेडी कर लें वो काम ही नहीं करती, इसलिए क्योंकि हमारी जो डाइट भी होती है ना, हम बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं फिर बोलते हैं हमारा गला ख़राब हो गया, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, और बस इसी तरीके से टोटके भी फॉलो करते रहें। और हमेशा ये याद रखें कि अपने लिए पूरे एक दिन में एक टाइम जो है ना मखसूस टाइम निकालें, अपनी बॉडी को टाइम दें, इट मीन्स आके थोड़ा सा रनिंग पे जाएं, क्योंकि हम इतना खा रहे होते हैं पी रहे होते हैं फिर सो जाते हैं। कोशिश करें मगरिब के बाद खाना खाएं, उसके बाद फिर आप वॉक करें ताकि खाना हज़म भी हो और ताकि नींद भी बड़ी बेहतरीन सी आए, ठीक है जी। और साथ में रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया, आप लोग जाएं ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। कमर्शियल वाइट बिरयानी अज्जा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लौंग 2 से 3 अदद, काली इलायची 2 अदद, ग्रीन चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चाय का चमचा, नमक हसबे जायका, दारचीनी 2 टुकड़े, दही 1 कप, चिकन बोटी 250 ग्राम, तेल हसबे ज़रूरत, पानी हसबे ज़रूरत, तली प्याज 1 कप, बिरयानी मसाला 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 1 कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, भीगिया रुबले चावल 1.5 कप। तरकीब, एक बर्तन में तेल गरम करके तमाम मसालों को दही और चिकन के साथ शामिल कर दें, अब इन्हें इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए, फिर इसमें तली प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च डालें, उसके बाद बिरयानी मसाला मिलाकर पका लें, ऊपर उबले चावल डालकर 10 मिनट स्टीम दें और गर्म सर्व कर दें। कैरमल क्रंच आइसक्रीम अज्जा, व्हिप क्रीम 1/4 कप, दूध फुल फैट 1 कप, पाउडर शुगर 1/4 कप, आइसक्रीम पाउडर या कस्टर्ड पाउडर वनीला 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, कॉफ़ी पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 4 से 5 खाने के चमचे। कैरमल के लिए चीनी 1 कप, पानी 1 खाने का चमचा। तरकीब, व्हिप क्रीम को बीट कर लें, अब दूध, चीनी, आइसक्रीम पाउडर, कॉर्नफ्लावर, कॉफ़ी पाउडर और कंडेंस मिल्क डालकर अच्छी तरह फेंट लें, फिर क्रंच या कैरमल सॉस में शामिल करके रात भर ठंडा करें, अब चूरा बिस्किट और सॉस के साथ सर्व करें। कैरमल क्रंच के लिए सॉस पैन में पानी के साथ चीनी डालकर पिघला लें,
कि रंग बदल जाए और चीनी हल हो जाए। ट्रे पर किलिंग बिछाकर कैरमल निकालकर फैलाएं और इसे ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो शीशे की तरह तोड़ें और आइसक्रीम की आमेजे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी हमारी बेहतरीन सी जो बिरयानी है यहाँ पर रेडी हो चुकी है एंड बस इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर सर्व करेंगे और साथ ही साथ जो हमारी आइसक्रीम है वो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा मंडे तक ताकि मैं आपको प्रॉपर उसका जो एक्चुअल शक्ल है ना वो दिखा सकूँ। ये देखें, ये बिरयानी को ऑब्वियसली आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये इस तरीके से आप प्रॉपर इसको मिक्स करें एंड ऑब्वियसली मैंने इसके अंदर आलू नहीं ऐड किया, लेकिन जो वाइट बिरयानी आपकी मर्ज़ी है इसमें आप आलू यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। एंड जो मसालेदार प्रॉपर ये जो बिरयानी है सारी की सारी यहाँ पर आपके सामने हाजिर है एंड सारे इसमें फ्राइड अनियन भी हमने ऐड किए हैं। दे रहे हैं भाई, ये लीजिए, सारी की सारी जितनी बोटी है ना आई एम ट्राइंग के मैं इस पर ऐड कर दूँ। ये लीजिए बेहतरीन सी एंड चल, ये सारी की सारी बिरयानी आपके सामने एंड हमारे जो आइसक्रीम है वो भी मैं निकाल दूँ जाते जाते। ठीक है जी, ये हाथ प्रॉपर तरीके से मैंने जो है ना पहले ही धो लिए थे ताकि किसी चीज़ को भी एडिबल चीज़ को हाथ लगाएं तो प्रॉपर आपने हाथ धो लेना है। ठीक है जी, और साथ ही में हमारी जो आइसक्रीम है वो ऑब्वियसली अब मैं आपको मंडे को दिखाऊंगा। ये देखिए अभी हल्का हल्का जमना शुरू हो गई भी है एंड साथ ही साथ हम ये जो क्रंच मैंने बनाया था ये देखें बेहतरीन सा, ये इसके ऊपर हम सर्व करेंगे और थोड़ी सी कैरमल की सॉस भी मैं बना लूँगा ताकि आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच बस ऊपर सर्व करेंगे एंड मंडे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और साथ ही में हमारा जो मसाला मैगजीन न्यू आ चुका है, ठीक है, ये देखें मंडे टू फ्राइडे ये सारी हमारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो मेरी भी इसके अंदर हैं और पेपरोनी पिज़्ज़ा हो गया, बकलावा हो गया, मसालेदार तंदूरी चिकन, सारी चीज़ें समझे कि आपने बस क्या करना है जाके ये बुक ख़रीद लेनी है मसाला मैगज़ीन और बड़ा बेहतरीन समझे हमारे मसाला की है ये। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को, अपना बहुत ख्याल रखें, सारी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.